एक प्रश्न आया है, गंधकुटी क्या होती है। गंधकुटी का जिक्र बार बार पाली त्रिपिटक के अंदर, पाली भाषा के अंदर होता है। भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध जहां रहते थे उस कुटिया को गंधकुटी बोलते थे। गंध का मतलब होता है स्मेल या बू, उर्दू में कहेंगे बू। अच्छी होती है बू तो खुशबू बोलते हैं, और खराब होती है तो उसको बदबू बोलते हैं। यानी कि फ्रेग्रेंस हो गई, अच्छी खुशबू हो गई, और बैड बू हो गई, यानी कि जो खराब होती है। तो भगवान बुद्ध की जो कुटी थी उसके अंदर से एक प्रकार की गंध आती थी। उस गंध की वजह से उसको गंधकुटी बोलते थे। अब वो गंध कैसी आती थी, ये एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमेना है, और ये बहुत सच है ये बात कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मन से शुद्ध होगा और जितनी अपनी बुराइयों से दूर होगा, उसके शरीर में से एक तरह की खुशबू आती है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो एक प्रकार की फ्रेग्रेंस देती हैं, जैसे एक फूल में से खुशबू आती है। मगर वही फूल अगर सड़ जाए, या अगर गंदा पानी उसको दें, या टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो सड़ के बदबू भी देता है। तो ये बात कैसे आप सिद्ध करेंगे, क्योंकि आप भगवान बुद्ध के पास है नहीं, और कोई अर्थ भी आपके पास नहीं है। मगर कोई व्यक्ति अगर विपसना करता है, जिस कमरे में वो विपसना करता है, और अगर वो शुद्ध हो रहा है और उसका मन शुद्ध हो रहा है, तो उस कमरे में आसपास में एक स्मेल आने शुरू हो जाती है उसके शरीर से, और वो वहाँ मेंटेन रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो विपसना नहीं करता है, अगर वो उस कमरे में जाएगा तो उसको वो एक शांति प्रिय, बहुत अच्छी खुशबू और वातावरण में शांति दिखाई देगी, महसूस होती है। ये बात कोई देखी दिखाई या सुनी सुनाई नहीं है। मैं और मेरे एक रिलेटिव, हम दोनों एक विपसना के आचार्य हैं, उनसे मिलने के लिए गए। मैं तो विपसना करता हूँ, वो विपसना नहीं करते। वहाँ हमने बैठे बातचीत की, तो मुझे वहाँ शांति महसूस हो रही थी और वहाँ से खुशबू भी आ रही थी। जब मेरे रिलेटिव मेरे साथ आए तो उन्होंने कहा कि बहुत शांति थी वहाँ पर, और एक अजीब सी खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने कहा, आपने महसूस की? तो उन्होंने कहा, मैंने महसूस की। तो मैंने कहा, जो विपसना करते हैं और जो शुद्ध हो जाते हैं, उनके यहाँ खुशबू आती है। बोले, ऐसा कैसे हो गया? तो वो डॉक्टर हैं जो मेरे रिलेटिव हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर हो, आपने कभी महसूस किया कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, और थोड़ा सा बड़ा भी होता है, आप उसके शरीर से नाक लगा के देखिए, या उसके पास बैठ के देखिए, आपको एक खुशबू आएगी। एक खुशबू आती है, कह रहे हाँ ये बात सच है, खुशबू आती है। जो बच्चा सच्चा होता है, मन का बिल्कुल सच्चा होता है, उसके शरीर में से खुशबू आती है। यानी आप उसे नहलाइए धुलाइए और कुछ मत लगाइए, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, आप उसको सूंघ के देखिए, आपको उसमें से एक खुशबू मिलेगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके मन पे मैल जमता जाता है, 50 बुराइयाँ उसके अंदर आती जाती हैं। कुछ घर में झूठ सीखता है, कुछ सड़क पर सीखता है, कुछ स्कूल में सीखता है, चारों तरफ झूठ का वातावरण होता है, चोरी चकारी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चलते रहते हैं, बुराइयाँ, लालच। तो उसकी खुशबू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और फिर वो बदबू में आना शुरू हो जाती है, फिर उसके शरीर में से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खराब खाना खाएंगे और आपका मन खराब रहेगा, तो शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसलिए भगवान बुद्ध की, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध थे 100%, उनकी जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ में एक प्रकार की खुशबू चलती थी। ये बात अच्छी तरह से कोई भी आदमी समझ सकता है, इसको चेक कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल साइंटिफिक बात है कि अगर आपकी कोई चीज़ साफ़ रहेगी तो वो अच्छी लगेगी, स्मेल भी अच्छी देगी। धन्यवाद।